पोस्ट आपके नाम से मंसूब है? जी ये बहुत लंबी कहानी है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात बाबू जी? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। बाबूजान अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सवाब का काम है, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने दीवाने थे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबूजान, कि वो सब कुछ था, अब नहीं है और ना ही आगे हो सकता है। बेटा कोई वजह तो होगी। बाबूजान ये फौज है ना, ये अलग ही दुनिया है, इसका अपना ही कल्चर है। हम लोग शहीदों की बेवाओं को इज्जत से देखते हैं, उन पे नजर नहीं रखते। तुम मुझे सबक दे रहे हो? मैं भी इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी जिसे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, अगर उसे और उसके बच्चे को सहारा देगा तो क्या बुराई है इसमें? बाबूजान आप समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे हो? तुम और तुम्हारा कल्चर कैसे नापसंद कर सकते हो एक ऐसी बात को जिसे खुद रसूल अल्लाह ने पसंद फरमाया है? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो इससे भी अच्छी बात है। और जब मैं होश में आया तो मैं रावलपिंडी CMH में था, और मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगें काट दी गई थी। तो इतने बड़े जिस्मानी लॉस से आपके मुराल में कोई फर्क आया है? जी हाँ, बहुत फर्क आया। जिस फौज में मैं रहना नहीं चाहता था, अब उसे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, अब जरा जंग को जदल की बातों से हटकर कुछ नरमो नाजुक बातों की तरफ आते हैं। मेरा मतलब है कि जंग के मैदान में आपने दुश्मन के फौजियों के तो बहुत से शिकार किए हैं, लेकिन कोई दिल शिल्पी शिकार किया है? जी इस फील्ड में मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। ना कोई रोमांस, ना शादी, बस एक मंगनी हुई थी। हुई थी क्या मतलब? वो असल में मुकम्मल इंसानों के लिए किसी नामुकम्मल इंसान का साथ देना बहुत मुश्किल था, इसलिए। और वैसे भी जिंदगी का ये चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। अब तो मेरी नजर में, दिमाग में, दिल में हर तरफ फौज ही फौज है।
अस्सलाम वालेकुम मेजर काशिफ। अच्छा मैं अभी आता हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। इसमें कुछ कमजोरियां हैं और वो भी शायद इसलिए कि कुछ जगहों पे तुम थोड़े ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बट अदरवाइज इट इज सिंपली अमेजिंग। इस प्लान पर अगर अमल ना हुआ तो उसकी वजह ये होगी कि शायद हम इतने बड़े एडवेंचर के लिए भी तैयार नहीं हैं, और ये भी कि लीकेज की सूरत में दुश्मन चौकन्ना हो जाए और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहरहाल अभी मैंने तुम्हें मुबारकबाद के लिए बुलाया है। इफ दिस इज द बिगिनिंग आई वंडर वेयर विल यू एंड अप। मैं तो अभी से तुम्हें एक दिन अपनी इस कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके काशिप Keep it up। अच्छा लो मुझे दे दो ना, मैं काट के हाथ कट जाएगा बेबी का पाले पे। ओ गया। लाओ। अच्छा मैं उसको ले आती हूँ। चलो आप आंटी तुम्हारी खूब मस्त हो गई शेरजान में। शेरजान को भी तो देखें, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराता मुझे। शेरजान को ऐसे इल्जाम दे रही हो, सारी चलाकी तो तुम्हारी अपनी है, दूसरे बच्चों के चक्कर में उसे हिलने भी नहीं देती हो खुद से। आहू मैंने बुकिंग करा ली है कल की। बुकिंग? कैसी बुकिंग? इस्लामाबाद की। खैरियत? आहू आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल सही टाइम पे हुई है, मेमोरी तो बिल्कुल रही नहीं है ना आपकी। वो यूनिसेफ के सिलसिले में नहीं जाना था मैंने। वो ऐसी ठहरोगी कहाँ? नसीमा के यहाँ। खिरमानी की तरफ फोन कर लेना, वो चक्कर भी लगा लेना। वैसे तो मेरा ख्याल में वो तुम्हें कहीं और ठहरने नहीं देंगे। मैं भी इसी योजना में हूँ, उन्हें पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, और अब पता नहीं आप मुनासिब समझे या नहीं। मेरे लिए अब में और तब में कोई फर्क नहीं, जैसे मुनासिब समझो कर लेना। आहू मैं समझती थी सिर्फ दादी और अब्बा ही किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आप ही इस दुनिया के नहीं हैं। आफ्टर अब्बा आई एम रियली लकी टू हैव यू। बेटा लकी तो मैं हूं, खुदा ने मुझे जैसी माँ दी वैसी बेटी दी, दो ग्रेट औरतों के बीच में सैंडविच हो गया। और उस तीसरी औरत के बारे में क्या ख्याल है? कौन? वो औरत है वो। आओ This is most unfair. आंटी सुना आपने आहू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दादी भी ग्रेट औरत थी और मैं भी ग्रेट औरत हूँ, और आप सिर्फ औरत ही हैं। उनका कसूर नहीं है बेटा, इंसान को या पास्ट अच्छा लगता है या फ्यूचर, कभी प्रेजेंट भी किसी को अच्छा लगा? अल्लाह बाबा बच्चे ये लो। इस बात से लगता है कि तुम काफी वक्त घर पे गुजार रही हो, वरना ऐसी बात उसके जहन में नहीं आ सकती। आहू ये तो अच्छी खासी है यार। अच्छा अभी आगे देखता जा, दो तस्वीरें और उन्हें भेजी हैं और वो दोनों इससे बेहतर है। ये तो किसी मेजर साहब के बेटे का खत है।
हाँ आगे पढ़, ये मेरे साथ बेचारे सियाचिन में शहीद हो गए थे यार। बड़ी बात है यार, वरना कोई भाई इस तरह अपनी बहन का रिश्ता ऑफर करता है? यार पहली दफा जब मैंने ये खत पढ़े ना तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तीन लड़कियों ने खुद खत लिखे हैं, एक ये वाला है और सात मुख्तलिफ पेरेंट्स के हैं। बड़ी बात है यार, हमारे लोगों में भी बड़ा जज्बा है।